दोनों में सिमिलैरिटी है, वो बस एक नाम की सिमिलैरिटी है, बाकी और कुछ मेरे को लगता नहीं है कि इसमें है। 11 बजे शुरू हुई थी और अराउंड 11:05, 11:03 मेरी बुकिंग लग गई थी, ठीक पर है। वो पता नहीं क्या हुआ मेरी 25,000 में आई नहीं थी। दिक्कत ये आई थी कि जब गाड़ी आई हमारी तो उसमें ये ड्राइव मोड का बटन नहीं था। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं कि आप के कुछ नट्स बोल्ट ढीले रह गए, स्कॉर्पियो वाले वो स्कॉर्पियो भी रहेंगे। जैसे आप हाँ जी स्कॉर्पियो आप स्कॉर्पियो है चलानी। पे वो कहीं नहीं जाते। हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। फ्रेम में जो आप कार देख रहे हैं इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। आपने हमारा प्रीवियस ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, ये वेरिएंट डिफरेंट है। और इसके ओनर से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार उन्होंने क्यों ली और कितने की पड़ी है उनको। मैं बुलाना चाहूंगा सौरभ को, जो इस कार के ओनर है। सौरभ, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक यू ये भैया। कब ली आपने सौरभ? ये मैंने ली थी धनतेरस को। तो ये कौन सा वेरियंट है और कितनी ऑन रोड पड़ी आपको? ये है वेरियंट डीजल मैनुअल 4x2 Z8L। Z8L, L 4x4 को कंसिडर नहीं किया और आपने मैनुअल ली है। नहीं हमारा देखो, हम जैसे पहले थी हम पे स्कॉर्पियो थी तो वो भी मैनुअल ही थी, हमारे शुरू से मैनुअल पे रहे, तो ऐसा ऑटोमेटिक की तरफ हमारा था नहीं ध्यान। और 4x2 इसलिए ली क्योंकि पहले हम पे जो गाड़ी थी कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब आज 4x4 होती इसमें आज तो ये काम हो जाता, इसलिए हाँ, हमने 4x2 कंसीडर करी। सौरभ जो है वो ऑलरेडी स्कॉर्पियो हाँ ओनर रहे हैं और तकरीबन 7 साल आपने चलाई जी, है। सेवन एक प्लस लाख 1 लाख+ किलोमीटर जो है सौरभ गाड़ी चला चुके हैं स्कॉर्पियो। तो आजकल तो वैसे भी अगर आप लद्दाख कर रहे हैं, लेह लद्दाख कर रहे हैं तो 4x2 आराम से चली जाती है, लोग तो ऑल्टो पंच भी हाँ लेकर हाँ पहुंच हाँ गए हैं वहाँ पे। स्कॉर्पियो जो आपने पुरानी चलाई है 7 साल 1 लाख किलोमीटर, और ये इसमें कितना डिफरेंस आपको लग रहा है? दिन रात का फर्क है। अगर मतलब वो एक रगेड टाइप गाड़ी थी, मतलब उसको कभी ये नहीं सोचते थे कि मतलब खुदा दो कहीं पे भी, यूँ होता था कि हाँ चलो निकल जाएगी। हाँ, इसको थोड़ा सा अभी एक तो यार यूँ मान लो नई है, हाँ इसको थोड़ा सा सोच समझ के निकालना पड़ता है। कंफर्ट में अगर देखें कंपेयर करें तो वो मेरे को इतनी कंफर्टेबल लगती नहीं थी, ये बहुत कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें। ठीक है। तो इसको अभी तक कहीं बाहर लेकर गए हैं? कहीं ज़्यादा हाँ लॉन्ग एक दो ट्रिप किया कुछ? टूर मतलब 700-800 किलोमीटर का राजस्थान वगैरह घूम के आ गए। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छा आइडिया हाँ हो गया हाँ होगा। बहुत अच्छा ट्रिप, बहुत अच्छा था, साथ में कंफर्टेबल। पीछे जैसे मेरे मम्मी पापा बैठते हैं तो उनको भी अच्छा लगा कि मतलब हाँ कंफर्टेबल है सीट। पहले वाली जो थी उसकी जो सीट थी काफ़ी स्टिफ थी, और पीछे इसमें थोड़ी डिक्लाइन भी हो जाती है हाँ, बीच वाली जो सेकंड रो है, तो अच्छा है कंफर्ट। अगर सौरभ मैं एक चीज़ बोलूँ कि इसका नाम अगर जैसे स्कॉर्पियो से कहीं भी मेल खाती है, आपको लगता है कि पुरानी वाली फील आती है कुछ नहीं ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो पुरानी वाली जैसी थी? दोनों में सिमिलैरिटी है, वो बस एक नाम की सिमिलैरिटी है, बाकी और कुछ मेरे को लगता नहीं है कि इसमें है वैसी वाली चीज़ जो स्कॉर्पियो की। वो तो बिल्कुल रफ एंड टफ गाड़ी थी, ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती प्रीमियम है। हाँ सेगमेंट में जी आ जाती है। तो बेसिकली अगर जैसे आप ये शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, चारों तरफ से इस गाड़ी को देखें तो हालांकि दिखने में बहुत बल्की और काफ़ी मस्कुलर गाड़ी लगती है, लेकिन कहीं से भी अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे पुरानी वाली स्कॉर्पियो से, तो वो एक नहीं सिर्फ नहीं एक नाम आपको लगता है कि बस स्कॉर्पियो हाँ जी नाम दे दिया गया, उसके अलावा और कोई कोई भी चीज़ उसमें मैच नहीं मेरे खाती को है। ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ये मेरे को 23.5। मतलब 23-24 लाख के हाँ जी हाँ आसपास जी आपको ऑन रोड पड़ी है। तो 23-24 लाख के बजट में जैसे हैरियर भी आ जाती है, सफारी भी आ जाती है, ये गाड़ियाँ भी हैं, तो आपने उनको कंसिडर किया था या आपके माइंड में था कि भाई अब नहीं स्कॉर्पियो नहीं ही लेनी है? हमारा मतलब शुरू से ही था कि मतलब स्कॉर्पियो आ गई तो अगली भी, हम तो पहले वो S11 जो स्कॉर्पियो आती है अच्छा, वो सोच रहे थे, पर बीच में सुना कि ये आ रही है तो फिर फिर वेट किया हाँ थोड़ा। उसके लिए वेट करा हमने, लगभग 1-1.5 साल वेट करा इसके लिए। अब इस गाड़ी को बुकिंग से लेकर के आपके हाथ में आने तक कितना वेट करना पड़ा? फर्स्ट डे मैंने जिस दिन बुकिंग शुरू हुई थी अच्छा, उस दिन बुक करा दी थी, 11 बजे शुरू हुई थी और अराउंड 11:05, 11:03 मेरी बुकिंग लग गई थी, ठीक पर है। वो पता नहीं क्या हुआ मेरी 25,000 में आई नहीं थी। अच्छा, आपकी ये 25,000 हाँ जी वाली हाँ में जी नहीं है, नहीं इंट्रोडक्टरी नहीं प्राइस नहीं 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 मिला नहीं है? नहीं अगर पर नहीं, इंट्रोडक्टरी प्राइस होता तो कितना डिफरेंस आता? प्राइस वही सेम रहा है, अच्छा उसमें प्राइस चेंज नहीं हुआ है, जो हाँ इनकी 25,000 में आई है और अभी भी प्राइस वही सेम ही है, इंट्रोडक्टरी ही चल रहा है। अच्छा मेरे को अराउंड देखा जाए तो 2 महीने, अच्छा 2 महीने की वेटिंग में हाँ आपको मिल मतलब गई। शायद जुलाई में इसकी बुकिंग चालू हुई थी, जुलाई के बाद फिर मेरे को अक्टूबर सेप्टेम्बर में? हाँ जी अक्टूबर में एंड में मिली थी, अच्छा, 23 तारीख। और कलर आपकी चॉइस का था या अवेलेबल हुआ तो नहीं आपने ले नहीं नहीं लिया? नहीं हमारा वाइट ही था वाइट ही अपना। था, हाँ जी पहले भी आपने वाइट हाँ ही जी रखी हुई थी, पहली भी वाइट थी, ये भी वाइट है। ठीक है। ब्लैक का थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा हो जाती है, वाइट का क्या है पुरानी भी हो जाए, हमारी पहले वाली थी उसे 6-7 साल हो गए थे, आज भी धोते थे साफ हो जाती। थर्ड रो की बात करें तो थर्ड 7 सीटर गाड़ी, बेसिकली थर्ड रो किसी यूज की है आपकी? अभी हमने बस जैसे कहीं पे भी ट्रिप पे गए तो हमने तो फोल्ड ही कर दिया वो। फोल्ड कर हाँ दिया, जी वो सामान वामान रखने के फिलहाल अभी लिए। तक उस पर किसी ने कोई नहीं 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 अपना एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, तो सारा भाई एक काम करते हैं, गाड़ी में अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के हाँ बात जी करेंगे। हाँ जी बैठिए। सबसे ज़रूरी चीज़ कि पुरानी स्कॉर्पियो का, जैसे कि हमने पहले भी बताया, स्कॉर्पियो का सिर्फ नाम यूज़ किया गया है, अदरवाइज पुरानी स्कॉर्पियो और इस स्कॉर्पियो में अगर आप फर्क देखें तो ज़मीन आसमान का आपको फर्क लगेगा। इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम कर दिए गए हैं। आप अगर इसकी डैशबोर्ड की बात करें, स्क्रीन की बात करें,
तो हर चीज बहुत प्रीमियम है। तो इसका जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ड्राइव मोड है बेसिकली, हाँ जी, वो जैप पे सेट किया हुआ है, वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है, हाँ जी। तीन ड्राइव मोड आएंगे, हाँ, जिप, जैप, जूम। तो बाय डिफॉल्ट ये जैप पे चलती, हाँ जी, है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे आपको वो जैप पे ही करके दे देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये जैप में रहती है, और मैंने इसका ड्राइव मोड जो है वो उसको चेंज करके जूम पे कर दिया, तो स्ट्रेट अवे हम जूम को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको पेट्रोल में और 4x4 में ये आपको मोड्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मोड्स मिलेंगे सिर्फ डीजल में मिलेंगे और 4x2 में। तो ऑटोमेटिक जो बेसिकली 4x4 है उसमें आपको नहीं मिलेंगे ये वेरियंट ड्राइव मोड्स, इसमें आप उसमें आपको बाय डिफॉल्ट जूम में सेटअप मिलता है, जबकि इसमें आपको तीनों ड्राइव मोड्स मिलते हैं। जूम मोड में पावर अच्छी खासी है, आप देखें तो अच्छा पुश मिल रहा है, एक जो बैक पुश होता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो वो आपको अच्छा मिल रहा है। ब्रेकिंग इसकी बहुत जबरदस्त है, लास्ट ड्राइव में भी हमने आपको बताया था। सस्पेंशन इसके जो है वो थोड़े से स्टिफ है, हालांकि स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी उससे बेटर है। सौरभ, आपको कम्फर्ट की बात करें तो कैसा कम्फर्ट है आपको, अगर सस्पेंशन की बात करें तो कितना कम्फर्ट मिल रहा है आपको पीछे? कम्फर्टेबल तो बहुत ज्यादा है पीछे, जो पीछे की सीट है ये सेकंड रो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पिछली वाली स्कॉर्पियो में क्या था, वो ज़्यादा लॉन्ग रूट पे फिर कमर दर्द करने लगती थी उसमें, इसमें कुछ ऐसा इश्यू है नहीं। जो अभी आप ट्रिप पे गए थे, कितने लोग इस गाड़ी में थे और कितना सामान था उसमें? हम 5 लोग थे और 5 लोगों का सामान था। ठीक है, और 5ों कंफर्टेबल पीछे बैठ के मतलब आराम से बैठे गाड़ी में, 3 के लिए बहुत बढ़िया था आराम से बैठ के। इसके सस्पेंशन आपको उससे बेटर लग रहे हैं या वैसे ही हैं जैसे पहले थे? नहीं, मेरे को काफ़ी चेंज लगा है इसमें। पहले वाली क्या थी, जैसे अगर हल्का सा भी कोई खड्डा आता था तो उसमें गाड़ी पूरी झूल जाती थी, पूरी झूल जाती थी। हाँ जी, इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा सौरभ, स्कॉर्पियो के अलावा आपने और कार्स भी हैं जो ड्राइव की हैं, जो मिड सेगमेंट एसयूवीज हैं या फिर जो दूसरी कार्स आती हैं जो बेसिकली मोनोकॉक फ्रेम पे रहती हैं अपार्ट फ्रॉम दी बॉडी ऑन फ्रेम के? नहीं, या ज़्यादातर बॉडी ऑन फ्रेम ही ड्राइव की है आपने? मैंने ये ड्राइव करी है, कभी कभार फ्रेंड सर्कल में है फॉर्चुनर वगैरह तो उनकी वो फॉर्चुनर चला लिए, तो वो भी बॉडी ऑन फ्रेम ही रहता है बेसिकली। एक फ्रेंड है उसकी एक्सयूवी भी करी, एक्सयूवी भी अच्छी गाड़ी है काफी। हाँ। उसमें अगर इसमें और उसमें कंपेयर करें, प्रीमियम वो ज्यादा है और कंफर्टेबल भी वो ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको ज्यादा फीचर्स रिच गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल ज्यादा गाड़ी चाहिए, तो आपको एक्सयूवी 700 की तरफ जाना चाहिए। अच्छा सौरभ, इसमें जो कंपनी ने 4x2 में MLD का ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ जी, वो क्या आपको लगता है क्या रीजन हो सकता है उसका? वही फिर 4x4 क्यों लेगा कोई, अगर इसमें 4x2 में ही अगर सारे फीचर मिल गए तो। इससे कम प्राइस की गाड़ी जो है, इनफैक्ट आधे प्राइस की गाड़ी जो है बोलेरो, हाँ जी, उसमें आपको MLD मिल जाता है 4x2 में, जबकि वो भी रियर व्हील ड्राइव है, ये भी रियर व्हील ड्राइव है। यहाँ पर स्कॉर्पियो एन में उन्होंने नहीं दिया, पहले से ही प्लानिंग होगी क्योंकि अगर क्योंकि उनका ये 4x2 ही काफी स्ट्रॉन्ग है, 4x2 काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। अगर उसमें ये MLD दे तो कोई नहीं जाता उसकी तरफ मेरे हिसाब से। तो जो कैबिन नॉइस है वो काफी कम है, बहुत आपका जिस हिसाब से पावरफुल इंजन है और रिफाइंड है काफी, हालांकि देखा जाए तो महिंद्रा के जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन है काफी रिफाइंड हो गए, बट स्टिल जिस कैपेसिटी का ये इंजन है उस हिसाब से वो साउंड आपको कैबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आती है। अगेन वही कंपैरिजन, हम बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं कि हम लोग पुरानी स्कॉर्पियो और इस स्कॉर्पियो का कंपैरिजन सौरभ से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ ने उस गाड़ी को 1,00,000 किलोमीटर चलाया जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो सौरभ, अगेन वो कैबिन नॉइज की बात करें तो उसमें कैबिन नॉइज ऑब्वियसली इससे ज्यादा था, बहुत ज्यादा था भैया। अगर जैसे हम हाईवे पर क्रूज करते थे तो टॉप गियर में भी लगा के फिर भी आवाज आती थी, हाँ लग रहा है कुछ रैग हो रहा है, अगर आपके गाने वगैरह सब बंद है। हाँ। तो साफ समझ मतलब पता चलता था उसके इंजन की आवाज को दोबारा तो गाने चलाने पड़ते थे। और एक तो उसका मतलब वाइब्रेशंस भी फील होती थी उसके, ठीक है, इसमें जैसे गियर पिछली बार था जो गियर नॉब था, आप चलती गाड़ी में भी वो वाइब्रेट करता रहता था। हाँ। इसमें और स्टार्ट एंड स्टॉप करो तब तो वो अलग ही बात है, फिर तो जबरदस्त भागती है, आप जरा सा एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी तैयार बैठी है भागने के लिए। जैप जूम मोड पे अच्छा खासा हैवी स्टीयरिंग था, अभी भी हम 60+ की स्पीड से चल रहे हैं, और जिप मोड में आते ही इसका स्टीयरिंग अल्ट्रा लाइट हो गया है, जस्ट लाइक जैसे हम एक्सयूवी 700 में फील करते हैं। जिप मोड बेसिकली बनाया हुआ है सिटी के लिए, सिटी के लिए, हाँ जी, और सिटी में आपको अगर थोड़ा लाइट मिले तो वो कंफर्टेबल रहता है ड्राइवर के लिए। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे कि जिप मोड में बहुत अच्छा स्टीयरिंग ने एकदम से फील आया, जैसे ही हम लोगों ने जिप मोड में वाइल्ड ड्राइविंग चेंज किया एकदम से स्टीयरिंग लाइट हो गया। सौरभ, एक क्वेश्चन जो चाहे कोई फॉर्च्यूनर भी ले ले, मर्सिडीज भी ले, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था, माइलेज क्या दे रही है? भैया माइलेज का तो देखिए 12 से 13 के आसपास आ रही है हाईवे, और अगर हम सिटी में ही चलाएं तो और गिरती है? सिटी में तो और गिरती है, बाकी तो आपके चलाने पर डिपेंड करता है। सिटी में अराउंड 10 मान लो, या फिर 10 से भी कभी कभार तो 10 से भी नीचे चला जाता है। मेरे ख्याल से अगर इस लेवल की गाड़ी आपको सिटी में भी 10 दे रही है तो काफी ठीक है, हालांकि XUV 700 से अगर हम कंपेयर करें तो माइलेज कम देती है, लेकिन
उस हिसाब से 10 की भी अगर आप माइलेज आप सिटी में निकाल पा रहे हैं तो ठीक ठाक है, और 12-13 की एवरेज ऑन हाईवे ओके है। सौरभ, महिंद्रा की सेल्स और सर्विस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस सेल्स और सर्विस में कैसा रहा महिंद्रा के साथ? मेरा तो काफी अच्छा था वैसे, बाकियों का मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। मेरे को जो उन्होंने टाइम बोला था उस टाइम से पहले आई गाड़ी। अच्छा। बीच में हाँ एक हल्की सी इसमें दिक्कत भी आई थी, ठीक है, पर ये था कि उन्होंने सॉल्व कर दी सारी दिक्कत। ये आई थी कि जब गाड़ी आई हमारी तो उसमें ये ड्राइव मोड का बटन नहीं था। ड्राइव मोड का बटन ही नहीं था? हाँ जी। अच्छा, तो बाकी हमने बताया उन्हें तो यहाँ पे क्या था फिर? डमी बटन था। हाँ जी। अच्छा, जो बेसिकली लोअर वेरिएंट्स में या जो आपके 4x4 में जो आता है जब पेट्रोल में है, अच्छा वैसा टाइप का था। बाकी उनसे मैंने बात करी, उन्होंने विद इन 2 डेज रिजोल्व कर दी मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स पता है कब आती हैं? जब आपकी प्रोडक्शन प्लांट में जबरदस्त प्रेशर हो आपके लेबर्स के ऊपर कि गाड़ी जल्दी से जल्दी निकालनी है, तो इस तरह की जो है वो चीजें होती हैं कि आप के कुछ नट्स बोल्ट ढीले रह गए या आपकी कोई बटन नहीं जो अब ये एक छोटी जरूर चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी क्वालिटी चेक में आनी चाहिए जो गाड़ी प्लांट से निकलने से पहले ही पकड़ी जानी चाहिए। एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड ऑटो वगैरह वो सब सही चल रहा है? अभी एप्पल कारप्ले ही नहीं आया इसमें। एप्पल कारप्ले इसमें दिया ही नहीं अभी तक अपग्रेड, अभी बस इनमें ऑटो एंड्रॉइड ऑटो है। महिंद्रा ने जब लॉन्च की गाड़ी तो अपना सीधा कंपटीशन जो है वो फॉर्च्यूनर के साथ रखा। महिंद्रा का कहना था कि भैया हम जो फॉर्च्यूनर 46 लाख 48 लाख में आ रही है वो फॉर्च्यूनर हमने यहाँ पर 20 लाख 25 लाख की रेंज में दे दी है। तो आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई लगती है कहीं से जब आपने दोनों चलाई है? नहीं देखो, अगर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है ठीक है, उसकी तो कोई टक्कर नहीं है। उसके आज भी अगर आफ्टर सेल सर्विस चेक करें तो मेरे को तो बाकी सबसे बढ़िया ही लगती है उसकी। रीसेल वैल्यू भी उसकी फॉर्च्यूनर की अलग है। ये अभी नई आई है, बाकी देखते हैं इसका कैसा रहता है। मैंने अभी जिप मोड से जैप मोड में शिफ्ट किया है और ज़बरदस्त पुश मिला है, तो मेरे ख्याल से जिप मोड में हल्का सा आपको फील होगा थोड़ी सी कि भाई हल्का पावर खींच के चल रही है गाड़ी। हालांकि सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हम रोड देखें तो रोड काफी क्लियर है, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है, और उस हिसाब से थोड़ा सा फील हो रहा था कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको जैप मोड में किया। सिटी ट्रैफिक में आप जिप मोड में आराम से चला लेंगे, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, और जैप मोड में जैसे ही उसने शिफ्ट किया एक अपने आप एक पुश मिला। तो इंजन तो बहुत बढ़िया है, पावर की तो बहुत कोई कमी नहीं है, अब जितना खींचोगे उतनी पावर आपको इसमें से निकाल के देगा वो। एक चीज और मेरे को जो पहले वाली से कंपेयर करके अगर मैं देखे जी, ड्राइवर को अगर लगता नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं लगता है, यही सबसे खास बात है इसकी कि जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं जी। हाँ ऑब्वियसली कमांडिंग पोजीशन बहुत बेटर है, दूसरी गाड़ियों की छत आप आराम से देख पा रहे हैं, उतनी हाइट पे आप बैठे हैं वो एक फील अलग है, लेकिन आपको लगे कि आप कोई भारी भरकम गाड़ी चला रहे हैं ऐसा नहीं है। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं इसके। ब्रेक्स काफी अच्छे हैं, ब्रेक्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जबरदस्त है, आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस आता है, और किसी को आपने जो है ओवरटेक करना हो तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो 2500 रुपये इसकी फर्स्ट सर्विस करवा ली आपने? हाँ जी, फर्स्ट सर्विस तो अराउंड 1000 थी। हाँ उसमें तो कुछ नहीं, वो जनरल चेकअप होता है, गाड़ी धो के दे देते हैं बस। हाँ तो उसमें मतलब जो आपका जो सर्विस एडवाइजर के साथ जो इंटरेक्शन था, टाइम जो आप जितना लगाया उन्होंने उस चीज को करने में, वो कैसा रहा आपका? नहीं नहीं काफी अच्छा था, मेरे को तो मतलब कुछ ऐसा खास टाइम लगा भी नहीं। सो बेसिकली ये फर्स्ट बैच की गाड़ियां हैं सारी। हाँ जी। तो फर्स्ट बैच की गाड़ियों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो महिंद्रा की तरफ से कोई फीडबैक कॉल्स कॉलिंग वगैरह आता रहता है? कॉल वगैरह तो आते रहते हैं। ठीक है सर, आपकी कोई गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मतलब सब ठीक तो चल रहा है ये सब? जो हमारे सेल्स एडवाइजर थे उनका आता रहता है रेगुलर टाइम पे बीच बीच में, अगर हम अपनी तरफ से भी करते हैं तो बढ़िया रिस्पांस होता है उनका, ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी दी भूल के। बैक कैमरा की अगर हम क्वालिटी देखें, बैक कैमरा की क्वालिटी बहुत बेकार, हालांकि आपको जो है इसमें गाइडेड लाइंस मिल जाती हैं फ्रंट और बैक में, फ्रंट सेंसर्स में भी आपको गाइडेड? हाँ जी दोनों में। तो इसमें उन्होंने 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया सौरभ, इतनी बड़ी गाड़ी है साइज से देखे तो होना चाहिए था बिल्कुल। चलिए सौरभ अभी बाहर निकल के कंक्लूड करते हैं इसको, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। सौरभ इसमें पॉजिटिव तो हमने सारी बातें कर ली, नेगेटिव पे अगर हम आए तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो लगती हैं कि इस प्राइस रेंज में कुछ चीजें रह गई जो महिंद्रा को कंसिडर करनी चाहिए थी? एक तो इसकी कैमरा क्वालिटी वो ना ठीक करनी चाहिए थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब है, और जो सिस्टम में लैगी बहुत है इनका, हम पहले पहुंच जाते कैमरा वो दिखाता बाद में। इसके अगर हम फ्रंट हैंड लैंप्स की बात करें, इसके थ्रो की बात करें, लो बीम हाई बीम की, तो जब आपने कभी रात में ड्राइव किया हो तो इसका थ्रो आपको परफेक्ट लगता है? हाँ काफी अच्छा है। जरूरत लगती है कि किस तरह से कुछ चेंज करने की जरूरत है? प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं ट्यूबल, और नीचे भी जो है यहाँ पे आपको सारा कुछ, सारा जो सेटअप है प्रॉपर LED सेटअप है,
जरूरत लगती है किसी तरह की कुछ चेंज करने की? नहीं नहीं मेरे को तो सही लगता है, काफ़ी है मेरे बस। वो जो वो फोर्स एक्सयूवी का अलग ही है, उसमें तो एक हाँ। वो ऑटो बूस्टर हेडलैम्प है हाँ। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर ये भी कम नहीं है। पर क्या रीज़न है? वही सेम सेगमेंट की गाड़ी और वही हेडलैम्प्स यहाँ पे भी दिए जा सकते थे, फिर वही अगेन कि अगर एक्सयूवी में भी और इसमें भी सेम होंगे फिर एक्सयूवी क्यों ले गया कोई? तो कहीं ना कहीं बात वही आ गई कि जो फीचर से थोड़ा 19-20 रखा गया है जानबूझ के, जान के रखा हुआ कि भैया वो 20 ही रखो इसको 19 रखो। और अगेन यही बात जो मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे कि ये बिकेगी नाम से और वो बिकेगी फीचर से। फीचर से तो एक्सयूवी 700 को अगर अपनी अपनी स्कॉर्पियो ही ना काट दे इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जो है गैप रखा है। उन्होंने स्कॉर्पियो वाले वो स्कॉर्पियो भी रहेंगे जैसे आप। हाँ जी यहाँ पे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पे वो कहीं नहीं जाते। हाँ और एक्सयूवी वाले वो क्या है कि थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाते हैं। तो आपने मुझे लगता है एक्सयूवी 700 की टेस्ट ड्राइव वगैरह भी नहीं ली होगी? नहीं नहीं अपना मतलब हमारा क्लियर था, पहले क्लियर था कि एक्सयूवी लेनी है बस, स्कॉर्पियो चाहिए इसका, बस बात खत्म। और कोई हमने दूसरी गाड़ी ट्राई भी नहीं करी, जैसे कई होते हैं 5-6 ऑप्शन रखते हैं फिर उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं। चलो अब बूट स्पेस एक बार देख लेते हैं सौरभ इसका, और थर्ड रो देख लेते हैं। अच्छा अभी आपने थर्ड रो खोल रखी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है यहाँ पर। को अगर आप फोल्ड करना चाहें तो यहाँ से फोल्ड अप कर सकते हैं, अब आपको इतना स्पेस मिल जाता है। ज्यादातर लोगों की 5 सीटर की रिक्वायरमेंट है स्कॉर्पियो, तो 7 सीटर ही आ रही है, तो लोगों ने ये भी प्लान किया है कि सीट्स निकलवा देंगे ताकि लगेज ज्यादा आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पेस तो ले ही रहा है। मेरा ये है कि अगर जरूरत है तो उसे लगे रहने देते हैं, हाँ बाकी नहीं चाहिए तो अपनी फोल्ड कर दो स्पेस ही है आपको। तो इसकी थर्ड रो देखते हैं, थर्ड रो टंबल डाउन हो जाती है आराम से। हाँ जी सौरभ कैसा कैसा स्पेस आ रहा है आपका? बस बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि ज्यादा देर तो नहीं पर थोड़ी बहुत देर बैठ सकता हूँ मैं इसमें। बाकी अगर रिक्लाइन और बच्चों बच्चों के बैठने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, बड़े तो नहीं आ पाएंगे इसमें। और अगर आपने थर्ड रो को थोड़ा सा रिक्लाइन कर लिया हाँ तो वैसे ही बिल्कुल स्पेस बिल्कुल खत्म हो, बिल्कुल ही खत्म। इस वेरिएंट में 17 इंच दे रहे हैं, जो टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक वाला उसमें 18 इंच दे रहे हैं। वो इन्होंने पता नहीं क्या, ये तो है शिकायत के अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तब आपको 18 इंच मिलेंगे, मैनुअल है तो आपकी। अच्छा 18 इंच 4x2 में भी है? हाँ जी 4x2 में भी है लेकिन आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न जो है वो भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई 17 और 18 का क्यों दिया, इसको 18 इंच देने चाहिए थे। हालांकि हेक्टर में भी पहले 17 इंच आते थे, अब जो नई हेक्टर आई है उसमें 18 इंच कर दिए गए हैं। तो हो सकता है स्कॉर्पियो भी आगे जो नया वेरिएंट है उसमें भी कंपनी आगे कुछ अपडेट हो, फीडबैक जाए कंपनी के पास तो इनको 18 इंच दे। क्या रीज़न है भैया ये तो समझना मुश्किल है थोड़ा। अगर हम सौरभ इसको कंक्लूड करें अब सारी चीज़ों को, तो आउट ऑफ 10 क्या पॉइंट दोगे आप अपनी गाड़ी को? मैं इसको 8.5 to 9 अच्छा जो वो एक काटूँ मैं उसी वजह से काटूँगा, बस वो कैमरा क्वालिटी और एक इसमें अगर MLD होता तो MLD होता। हाँ जी वो तो हमें रीजन पता है, वो तो रीजन पता है लेकिन पर वो है कि अगर होता तो होता तो और अच्छा काफ़ी अच्छा होता। ठीक है तो यहाँ पर हमने जो है सौरभ से सारे क्वेश्चंस जानने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों स्कॉर्पियो कंसिडर की। तो स्कॉर्पियो ओनर हैं और उन्होंने काफ़ी टाइम से स्कॉर्पियो का ही वेट किया था और स्कॉर्पियो आई तो सबसे पहले परचेज कर दिया और किसी गाड़ी की तरफ देखा भी नहीं। तो ये एक सेगमेंट है जो स्कॉर्पियो लवर्स हैं जो बेसिकली स्कॉर्पियो के लिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं महिंद्रा का गाड़ी को नाम देने का रीज़न भी यही था क्योंकि उससे सेल्स में काफ़ी जो है मेजर डिफरेंस आता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सौरभ ने अपने सारे इनपुट्स रखे, उन्होंने 2500 किलोमीटर की गाड़ी चला दी है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाता है आपको 2500 किलोमीटर के बाद। और उन्होंने जो बेसिक चीज़ें जो थोड़ी बहुत मिसिंग थी कैमरा क्वालिटी के बारे में बताया कि कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है और MLD इसमें मिसिंग है, अदरवाइज 4x2 जो है आपके लिए सफिशिएंट है, आपको 4x4 लेने की ज़रूरत नहीं है अनलेस अंटिल आप बहुत ही हार्श टेरेन्स में चलाते हैं, विंटर स्पीति वगैरह करते हैं जहाँ पे आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडर वाली रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जो इसका रेयर व्हील ड्राइव है 4x2 में वो मोर देन सफिशिएंट है आपको। ठीक है अगर आपको बुकिंग नहीं मिल रही है, गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल रही है क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है उसकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी मिल रही है, तो 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देके अगर आपको लगता है कि जल्दी गाड़ी मिल जाएगी और 4x4 का ज़रूरत नहीं है तो भी आप लेना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज ये भी अपने आप में सफिशिएंट है हर तरह से हर टेरेन के लिए। मैनुअल में जो मेरा फीडबैक है मैनुअल गाड़ी में भी बहुत अच्छे स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इंजन पुश बहुत अच्छा है, हमने तीनों डाइव मोड्स भी ट्राई करके देखे, जिप जैप जूम में बाय डिफॉल्ट जैप में चलती है, जिप में आते ही थोड़ा सा स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है और जूम पे जाते ही स्टेयरिंग अपना वेट गेन कर लेता है जो कि एक अच्छी बात है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे इसी तरह से करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल ID पे हमें कॉन्टैक्ट करो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।